जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर सिक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ एक बार फिर से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। आज की ये वैकेंसी पटना हाईकोर्ट की तरफ से आई है। ये अपडेट आपको कल से वेबसाइट पे भी देखने को मिलेगा। इसकी जानकारी हम आपको ऑफिशियल देंगे अपने ऑफिशियली वेबसाइट से जाकर, जहां पे पटना हाईकोर्ट की रिक्रूटमेंट के बारे में अपडेट दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, टेक्निकल स्किल क्या चाहिए, एज लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है ना, एज लिमिट आपका क्या होना चाहिए, अप्लाई कब से करना है और लास्ट डेट कब तक का है, और सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी क्या मिलेगी सर, इन सब के बारे में ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और कल दोस्तों हमने आपको एक वीडियो और बना के दिया था, वो वैकेंसी थी सिविल कोर्ट की, जहां पर 21 पद की वैकेंसी निकाली गई थी, 12 पद की, ठीक है, 12 पद की वैकेंसी निकाली गई थी। आप छात्र योग्य हैं तो आवेदन जरूर कर लीजिएगा। चलिए सीधे लिए चलते हैं आज के इस अपडेट पे, जो कि पटना हाई कोर्ट की तरफ से अप टू डेट किया गया है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है, ये पटना हाई कोर्ट की वैकेंसी आ रही है और ये ऑफिशियल वेबसाइट पे कल आपको देखने को मिलेगी। इसकी एडवर्टीजमेंट संख्या आप लोग नोट कर लीजिएगा, PHC 2/2023। पटना हाई कोर्ट का ये दूसरा वैकेंसी है इस साल का, जहां पर 51 पदों की ये वैकेंसी निकाली जा रही है। अब मैंने आपको कल भी कहा था कि देखिए बहुत छोटा छोटा वैकेंसी निकाला जा रहा है। कल सिविल कोर्ट की वैकेंसी 12 निकाली गई, आज 51 जो है पोस्ट निकाला गया है आपके हाई कोर्ट पटना के लिए। तो देखिए ये जो वैकेंसीज है ना, ये ऐसे ही निकलती हैं। जब बहुत बड़ी बहाली की जरूरत होती है तो सरकार और यहाँ आयोग जो है यहाँ पे वैकेंसीज निकालती हैं, लेकिन कुछ वेरियस पोस्ट जहां पे छोटी छोटी वैकेंसीज आती रहती हैं, उसके बारे में आपको जानकारी हमारा देना पहला कर्तव्य बनता है। तो यहां पर 51 पदों की वैकेंसी है दोस्तों, ये ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसका स्टेनोग्राफर के पोस्ट पे आवेदन होगा। आपको आप बता दें कि स्टेनोग्राफर के लिए हाईकोर्ट में वैकेंसी पहले भी आ चुकी है और ये सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर आ रही है, यानी कि लेवल 4 का सीपीसी के तहत, यहाँ पे 7 सीपीसी के तहत 25,500 आपका बेसिक सैलरी होगा, यानी कि 25,500 की सैलरी प्लस अलाउवेंस आपको अलग से मिलेगा। ये अलाउवेंस जो है, चूंकि ये सरकारी नौकरी है तो आपको यहाँ पे जो है अलाउवेंस सरकार की तरफ से अपडेट किया जाएगा, जो कि जुडिकेचर हमारा पटना की तरफ से अपडेट किया जाता है। 81,000 तक की सैलरी हो सकती है, बस अलाउवेंस मिलेगा यहाँ पर। तो मान के चलिएगा ये 25,500 की सैलरी जो है आपकी, कम से कम 35,000 के आसपास की तो सैलरी बनेगी ही बनेगी, प्लस आपको भी बेनिफिट और भी दिए जाएंगे जो कि पटना हाईकोर्ट की एम्प्लॉयज को मिलती है। 7 सीपीसी के तहत यहाँ पे PRC प्लस यूजुअल अलाउवेंस यहाँ पे बता भी दिया गया है, तो ये वैकेंसी उनके लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करें दोस्तों, तो ये 12th पास छात्रों के लिए आवेदन करने का बेहतरीन मौका है। अगर आप 12th पास हैं और एलिजिबिलिटी रखते हैं स्टेनोग्राफर की, टाइपिंग में स्पीड वगैरह अच्छा है, तो आप जरूर आवेदन कीजिएगा यहाँ पे। दोस्तों यहाँ बता दें कि आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट भी जरूर जांचा जाएगा। देखिए जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया जाएगा ना, उसमें आपको डिटेल अपडेट दिया जाएगा, तो कल जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे दे दिया जाएगा, तो डिटेल नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखलाऊंगा, उसमें क्या स्पीड चाहिए शॉर्ट हैंड के लिए और टाइपिंग कंप्यूटर पे जो है आपका होगा तो उसके लिए क्या स्पीड चाहिए, वो मैं आपको वहां बता दूंगा। लेकिन 40 वर्ड पर मिनट जो है ना, कम से कम आपका होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। अंग्रेजी के लिए, हिंदी के लिए लगभग 35 वर्ड पर मिनट मांगा जाता है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये कल का जो है सिनारियो, जो नोटिफिकेशन आएगा हम आप तक साझा करेंगे और उसमें सारे डिटेल देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो 12वीं पास है वो तो आवेदन कर ही सकते हैं, लेकिन जो छात्र डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, ये कैसा कोर्स है या ध्यान रखिएगा, ये डिप्लोमा और जो सर्टिफिकेट कोर्स है, ये सर्टिफिकेट कोर्स जो है ये आपका जो है ये कंप्यूटर में होना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में। बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, ADCA या फिर आपका जो है होता है DCA का कोर्स होता है, या O-Level का कोर्स होता है, या फिर DEUC या NILET के माध्यम से भी सर्टिफिकेशन बहुत लोग करते हैं, एक एक साल का वो डिप्लोमा कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन का भी आपका एक कोर्स मांगा गया है, साथ ही साथ 12th पास है तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको। देखिए फिर से एक बार एलिजिबिलिटी बता दें, इंटरमीडिएट 12वीं आपका पास होना चाहिए, डिप्लोमा या फिर कोई भी एक साल का डिप्लोमा कोर्स या सर्टिफिकेशन कोर्स आपका कंप्यूटर में होना चाहिए, इंग्लिश शॉर्ट हैंड और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में आपका स्पीड होना चाहिए। तो ये स्पीड कितना होगा ये मैं आपको कल फाइनल बता दूंगा। एज, क्योंकि उम्र सीमा की सबसे अपडेट है यहाँ पे, 18 से लेकर 37 साल तक के छात्र आवेदन कर सकते हैं, और ये एज कैलकुलेशन जो है आपका 1 जनवरी 2023 से कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर एज में रिलेशन भी मिलेगा, जो भी छात्र SC ST या फिर OBC या EBC से बिलोंग करते हैं उन छात्रों को यहाँ पे एज में छूट मिलेगा। जो भी छात्र एक सर्विसमैन में है वो भी आवेदन करते समय उनको एज में छूट मिलेगा।
या जो भी छात्राएं महिला छात्रा हैं और इन कैटेगरी से आती हैं उनको भी एज में छूट यहाँ मिलेगा। तो एक जनरल की बात करें तो 18 साल आपका उम्र होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 37 साल आपका एज होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया है एक चीज कि द लिंक ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, चूंकि ये आपसे ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाएगा, इसके लिए एडवर्टीजमेंट संख्या विल बी रिमेन एक्टिव ऑन 3 अगस्त 24 अगस्त, यानी कि 3 अगस्त से लेकर ये आपका कल से लिंक एक्टिवेट भी कर दिया जाएगा और ये 24 अगस्त तक जो है आपका फॉर्म दोस्तों भरा जाएगा। तो ये लास्ट डेट होगा फॉर्म को भरने का। अब सारा डिटेल यहीं पे इसी बीच में आपको एक दो दिन में समझ के इसके फॉर्म को भी आवेदन कर लेना है। योग्यता है तो आवेदन जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएगी। और ये पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी है दोस्तों, और इसके लिए आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जानकारी ले सकते हैं। और इन सब की जानकारी ऑफिशियली इंफॉर्मेशन पहले दी जाती है statebihar.gov.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो वहां से ये नोटिफिकेशन निकल कर आया है दोस्तों, जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये पटना हाईकोर्ट की एक नई वैकेंसी थी जिसके बारे में हमने आपको सारा डिटेल अप टू डेट किया। और अगर आपके कोई भी डाउट है यहाँ पे दोस्तों तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आके यहाँ से सारी जानकारी भी देख सकते हैं और यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे जब आएंगे, ये पटना हाईकोर्ट का दोस्तों ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप आके नीचे जो है इस रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे क्लिक करिएगा। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो रिक्रूटमेंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अभी जानकारी तो नहीं दी गई है इसके बारे में, लेकिन कल 3 अगस्त है, 3 अगस्त को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग, कोई भी अपडेट है इस फॉर्म को लेकर, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। अभी हाल ही में असिस्टेंट का रिजल्ट दिया गया है दोस्तों, और उसका एग्जाम डेट भी घोषित कर दिया गया है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में पटना हाईकोर्ट और सिविल कोर्ट, चूंकि सिविल कोर्ट फिर से एक बार डिले कर चुके अपनी परीक्षाओं को, लेकिन पटना हाईकोर्ट की बात करें तो कोई भी वैकेंसी तुरंत निकालकर विद इन अ मंथ आपको 1 महीने के अंदर जो है उसका फॉर्म भरवा के 1 महीने के बाद जो है आपका परीक्षा प्रीलिम्स का ले लेता है और उसको रिक्रूटमेंट को फुलफिल करता है। तो वहां पे काम होते हैं ज्यादा, इसलिए उनको उन सभी वैकेंसीज को भरना होता है उनको, इसलिए जल्दबाजी यहाँ पे होती है। तो आपके पास भी समय कम मिलेगा इस फॉर्म की। अगर मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो इस फॉर्म को भरने का भी यहाँ पे आपको जो है देख सकते हैं कि 3 अगस्त से लेकर जो है 24 अगस्त तक ही फॉर्म भरने का यहाँ पे डेट निर्धारित किया गया है। तो इसके बाद जो है यहाँ पे इसके बाद जैसी फॉर्म भराएगा ठीक 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद जो है आपको इसका एग्जाम डेट दे दिया जाएगा। एग्जाम होगा इसका, एग्जाम पैटर्न भी है और इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह भी है, जिसको देखकर आप जो है देकर जो है आप यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं दोस्तों। तो फिलहाल इस वीडियो में तो इतना ही, कल मिलेंगे इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे जहां पे इसके बारे में आपको सारी जानकारी अप टू डेट की गई है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नई वैकेंसी के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।